जनपद संभल के चंदौसी में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाबो देवी ने जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याओं को सुना। प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाबो देवी ने आज जनपद संभल के चंदौसी में सुभाष रोड पर स्थित अपने कार्यालय पर आज जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याओं को सुना तथा उनके निस्तारण का आश्वासन भी दिया। इस दौरान वहाँ पर प्रवेश करने से पहले लोगों को सैनिटाइजेशन टनल में से होकर गुजरना पड़ा तथा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना पड़ा। इस दिशा में राज्य मंत्री गुलाबो देवी ने बताया कि यहाँ पर जब भी मैं रहती हूँ तो जनता अपनी समस्याओं को लेकर मेरे पास आती है और मैं उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान करती हूँ। ये तो रोज की बात है कि जब मैं चंदौसी में रहती हूँ, ज्यादातर चंदौसी में ही रहती हूँ, लखनऊ तो जब कोई मीटिंग होती है या जब बैठना होता है, सप्ताह में 3 दिन लखनऊ बैठती हूँ, बकाया में क्षेत्र में रहती हूँ। तो जन समस्याएं जिनकी जिनको परेशानी है सब लोग आएंगे ही, लेकिन इसमें कोरोना के इस काल में सारी व्यवस्थाएं हैं, सबको सैनिटाइज की व्यवस्था है और दूर हम लोग रखते हैं, 2 मीटर की दूरी पर ही सबकी समस्याओं को सुनते हैं। अब भीड़ तो इसीलिए रहती है क्योंकि जब मैं जनप्रतिनिधि हूँ तो परेशानी जिन लोगों को है वो आएंगे ही, कब तक बचा जा सकता है, लेकिन दूरियां हम रखते हैं और सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था जनता के लिए होती है। अच्छा, यहाँ पर ये काफी संख्या में बहुत भारी भीड़ आई थी आपकी बात में फरियादियों की, तो ये क्षेत्र के इतने कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? ये क्षेत्र के तो होते ही हैं, आसपास के जनपदों के लोग भी यहाँ पर आते हैं।